हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा सिंगल जेन इफेक्ट। तो आम पढ़ुले सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन देखिले वेरियस थ्योरीज जमी क्रोमोसोमल थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी, हार्मोनल थ्योरी, एनवायरमेंटल थ्योरी, देन तापरे सिंगल जेन इफेक्ट। सिंगल जेन इफेक्ट माने जे आर नेमिंग सिग्निफिकेंस होची, आर नेम रु जना पड़ुची जे गोटे सिंगल जीन रो भी इफेक्ट रहुची सेक्स डिटरमिनेशन उपरे। इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन ऑन सेक्स डिटरमिनेशन, तो सेटा होची सिंगल जीन इफेक्ट। तो सिंगल जीन इफेक्ट आम देखा ड्रोसोफिला केस रे आउ ह्यूमन बीइंग केस रे। ड्रोसोफिला केस रे को सिंगल जीन केमिति इफेक्ट पकाउची, ह्यूमन बीइंग केस रे को सिंगल जीन केमिति इफेक्ट पकाउची सेक्स डिटरमिनेशन रे। सो फास्ट देखिबा इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला केस रे सिंगल जीन इफेक्ट। सो इन ड्रोसोफिला ए ट्राजीन और ट्रांसफॉर्मर जीन प्रेजेंट ऑन थर्ड क्रोमोसोम कोड्स फॉर ए प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर प्रोटीन व्हिच डेवलप्स फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ड्रोसोफिला रो गोटे ट्राजीन अच्छी, ट्रांस ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मर जीन अच्छी, सेटा थाए ड्रोसोफिला रा थर्ड क्रोमोसोम रे। आ से जीनटा गोटे प्रोटीन प्रोड्यूस करे, से प्रोटीन होची ट्रांसफॉर्मर प्रोटीन, ट्रांसफॉर्मर प्रोटीन। आ से प्रोटीन रो काम होची से फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करे। तो ट्रांसफॉर्मर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर। देन मोस्टली इफ ट्राजीन इज प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म इट डेवलप्स फीमेल कैरेक्टर। जदि ट्राजीनटा डोमिनेंट फॉर्म रे रहिला, ट्रा पॉजिटिव, ट्रा पॉजिटिव डोमिनेंट फॉर्म रे रहिला, देन से इंडिविजुअल रो फीमेल कैरेक्टर डेवलप हुए देखा जाय छै। एटा सेमदी इफ ट्राजीन इज प्रेजेंट इन रिसेसिव फॉर्म, जदि ट्राजीनटा रिसेसिव फॉर्म रे रहिला, दैट इज ट्रा नेगेटिव इट डेवलप्स मेल कैरेक्टर्स। सेटा मेल कैरेक्टर डेवलप कला। तो ट्राजेनटा जदि रिसेसिव फॉर्म में रहिला, तले से मेल कैरेक्टर डेवलप कला। तो हमें जानले ट्राजेनटा फीमेल कैरेक्टर डेवलप करुची डोमिनेंट फॉर्म में रहिले ठो, और रिसेसिव फॉर्म में रहिले ठो डेवलप करुची मेल कैरेक्टर। देन इवन इफ व्हेन नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल कहले AAXX, कारण ह्यूमन बीइंग रो ड्रोसोफिला रो सेक्स क्रोमोसोम सेम टाइप बोथ मेल इन फीमेल, मेल केस रे XY, फीमेल केस रे XX, ड्रोसोफिला रे जहाँ ह्यूमन बीइंग रे सेया। तो नॉर्मल ड्रोसोफिला फीमेल रे सेक्स क्रोमोसोम XX रहिला। तो जदि गोटे नॉर्मल फीमेल माने AAXX क्रोमोसोम अछि विथ होमोजाइगस रिसेसिव एलील फॉर ट्राजीन, जदि ट्राजीनटा दुटा जाक रिसेसिव फॉर्म रे रहीगला, दैट इज ट्रा नेगेटिव, इट बिकम्स स्टेराइल मेल, इट बिकम्स स्टेराइल मेल। मैं नॉर्मली देखिले ट्राजीनटा डोमिनेंट फॉर्म रे थिला बेले फीमेल कैरेक्टर शो करिवो, रिसेसिव फॉर्म रे थिला बेले मेल कैरेक्टर शो करिवो। एटे किंतु क्रोमोसोमली फीमेल, किंतु ट्राजेनटा रिसेसिव फॉर्म रे रहीगला बोली से फीमेल कैरेक्टर आ डेवलप करलानी, सो एटा स्टेराइल मेल हे गला, स्टेराइल मेल हे गला। तो एटा होची सिंगल जीन इफेक्ट इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला रे XX क्रोमोसोम अच्छी माने तो से नॉर्मल फीमेल हे जीवा कथा, किंतु गोटे ट्राजेन अच्छी से ट्राजेनटा फीमेल कैरेक्टर डेवलप करे डोमिनेंट फॉर्म में थिले, तो से ट्राजीनटा रिसेसिव हेगला बोली क्रोमोसोमली फीमेल थिबा सत्वे भी ड्रोसोफिलाटा मेल हेगला, दैट टू बी स्टेराइल मेल। एटा होची सिंगल जीन इफेक्ट इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। देन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग केस रे तुमको आगे देखोची, देखो
तो आगे बुझो जे जितेबले ह्यूमन बीइंग रो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है मदर वोम भीतर गोटे इंडिविजुअल डेवलप होता है सेते बेले इयरली पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बेलू मास ऑफ गोनाडल टिश्यू थाए सपोज इटा होची मास ऑफ गोनाडल टिश्यूज मैंने गोनाडल टिश्यू रु टेस्टिस भी डेवलप हो पारे ओभारी भी डेवलप हो पारे ठीक ना। तो ड्यूरिंग द इयरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स देर इज ए कमन मास ऑफ गोनाडल टिश्यू व्हिच मे डेवलप इन टू मेल गोनाड और मे डेवलप इन टू फीमेल गोनाड किंतु व्हिच टाइप ऑफ गोनाड विल बी डेवलप्ड दैट डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर जीन। तो सही मास ऑफ गोनाडल टिश्यू रु पर्टिकुलरली को प्रकार गोनाड डेवलप हे टेस्टिस हम ना ओभारी हे डिपेंड करे गोटे पर्टिकुलर जीन उपरे से जीनटा कौन ना से जीनटा होची स्राइजीन उपरे देखिबा ता सह देख से मास ऑफ गोनाडल टिश्यू सह पाखेरे एंती थाए दीटा डॉक्ट दी प्रकार रो डॉक्ट थाए डॉक्ट से डॉक्ट गुड़ा का कौन ना गोटे होची मुलेरियन डॉक्ट आ गोटे होची ओल्फियन डॉक्ट देख मुलेरियन डॉक्ट आ ओल्फियन डॉक्ट। तो इयरली डेवलपमेंट बेले मास ऑफ गोनाडल टिश्यू सह दुई प्रकार रो डॉक्ट थाए जोटा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलप करे गोनाड कहले ओनली टेस्टिस की ओभारी हेबो तास पुणी आसेसोरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी अच्छा। तो से आसेसोरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलप होता से मुलेरियन डॉक्ट और ओल्फियन डॉक्टर मन रखिबो जे मुलेरियन डॉक्टा डेवलप करे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ मन रखिबो ओल्फियन डॉक्टा डेवलप करे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैला। मुलेरियन डॉक्ट डेवलप करे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओल्फियन डॉक्ट डेवलप करे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किंतु कोटा हबनी सेटा डिपेंड करे हमरो कहा उपरे ना स्राय जीन उपरे एतिकी बुझियला जे इयरली डेवलपमेंट बेले मास ऑफ गोनाडल टिश्यू थाए जोथरो टेस्टिस बा ओभारी हबो तास दि प्रकार रो डॉक्ट भी थाए गोटे मुलेरियन डॉक्ट गोटे ओल्फियन डॉक्ट। मुलेरियन डॉक्टर मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हुए ओल्फियन डॉक्टर मेनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हुए। तो कोई प्रकार डॉक्टा सर्वाइव करिवो कोई डॉक्टा डिजेनरेट हो सेटा सब गुड़ाक डिपेंड करे आमर स्राय जीन उपरे। तो देख स्राय जीन केमिति कौन फंक्शन करुची तो देख इटी स्राय जीन रो फंक्शन जे स्राइजीन थाए वाई क्रोमोजोम रे स्राइजीन प्रेजेंट इन वाई क्रोमोजोम स्राइ स्टैंड्स फॉर सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोजोम स्राइ रो फुल फॉर्म। तो स्राइजीन टा थाए कोठी ना पर्टिकुलरली वाई क्रोमोजोम रे थाए देख स्राइजीन टा गोटे प्रोटीन प्रोड्यूस करे सेटा होची टीडीएफ दैट इज टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर एटा लिखा है थ्योरी रे सपटे। तो यही रे डायग्रामटा आगे बुझिले तुमको सुविधा हे। तो वाई क्रोमोजोम रे स्राइजीन अच्छी स्राइजीन टा प्रोड्यूस करे टीडीएफ प्रोटीन टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर। तो से टीडीएफ प्रोटीन जोगु से मास ऑफ गोनाडल टिश्यूटा टेस्टिस को कन्वर्ट हुए जो कहल जो मास ऑफ गोनाडल टिश्यू थाए तो सेटा टेस्टिस को डेवलप हुए कहार इन्फ्लुएंस रे बा को प्रोटीन रो इन्फ्लुएंस रे ना टीडीएफ प्रोटीन रो इन्फ्लुएंस रे टीडीएफटा कौटू सिक्रेट है ना स्राइजीन रो। तो ड्यू टू स्राइजीन टेस्टिस डेवलप्स देन टेस्टिस डेवलप हेले टेस्टिस रे थाए सटोली सेल टेस्टिस कंटेन्स सटोली सेल्स दैट सटोली सेल्स सिक्रेट आंटी मुलेरियान हार्मोन AMH सटोली सेलटा सिक्रेट करे आंटी मुलेरियान हार्मोन। तो से आंटी मुलेरियान हार्मोन
आमे कहते कौन मुलेरियान डॉग्सटा डेवलप करे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो आंटी मुलेरियान हार्मोन माने आंटी माने कौन एग्नेस्ट तो आंटी मुलेरियान हार्मोनटा कौन हम ना मुलेरियान डॉग एग्नेस्ट रे काम कर माने मुलेरियान डॉग को डीजेनेरेट करदे तो आंटी मुलेरियान हार्मोन डीजेनेरेट्स मुलेरियान डॉग डीजेनेरेट्स मुलेरियान डॉग तो ब्राकेट जनईले लिखिले जे मुलेरियान डॉगटा नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप करे तो आंटी मुलेरियान हार्मोन कौन कला ना आंटी मुलेरियान हार्मोन मुलेरियान डॉग को डीजेनेरेट कला एंड ओल्फियन डॉग को एक्टिवेट कला ओल्फियन डॉगटा कौन डेवलप करे ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप करे तो आंटी मुलेरियान हार्मोन मुलेरियान डॉग को डेवलप कला माने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होगा देलानी तास ओल्फियन डॉग को एक्टिवेट कला जहाँफल कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप है तो ओल्फियन डॉग एक्टिवेट होबारु मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होबारु इंडिविजुअलटा मेल है कि ना तो यहाँ हूँ नॉर्मल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट तो वाई क्रोमोसोम रे जदि स्ट्राइजिन अच्छी जदि स्ट्राइजिन अच्छी तले से टीडीए प्रोटीन प्रोड्यूस करे टीडीए प्रोटीन टेस्टिस डेवलप करे टेस्टिस रे थिबा सटोली सेलटा एंटीमुलेरियन हार्मोन सिक्रेट करे एंटीमुलेरियन हार्मोनटा मुलेरियान डॉट को डीजेनरेट करके ओल्फियन डॉट को एक्टिवेट करे जहाँफल कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हुए जहाँफल कि इंडिविजुअलटा मेल हो जाए है यहाँ हूँ नॉर्मल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट मेल डेवलप हाबाई मेल डेवलप होता है पैटर्न रे किंतु देख फीमेल केत डेवलप हम फीमेल केतबाला डेवलप हम ना फीमेल डेवलप हाबाई सेमती किसी स्पेसिफिक जीन ना कि स्पेसिफिक प्रोटीन ना मेल पाई जीन अच्छी प्रोटीन अच्छी जदि मेल नहला जदि मेल पाई जीन बा प्रोटीन नहला डेवलप नहला ताले सेटा ऑटोमेटिकली गोनाडटा ओवरी को डेवलप हो मेल सेक्स डेवलप हाबाई स्पेसिफिक प्रोटीन आउ जीन अच्छी तो से स्पेसिफिक जीन आउ प्रोटीन रो आबसेन्स रे मास ऑफ गोनाडल टिश्यूटा ऑटोमेटिकली बिकम ओवरी ओवरी हो जाए से फीमेल को कह जाए डिफॉल्ट सेक्स से फीमेल को कह जाए डिफॉल्ट सेक्स देखिबा तो देख तो यदि फीमेल थिबो फीमेल माने कौन एक्सेस क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम तो नहीं तो वाई क्रोमोजोम जेतु नहीं स्राइजिन नहीं कारण स्राइजिन टा वाई क्रोमोजोम रे थाए तो स्राइजिन नथिले टीडीएफ प्रोटीन भी नहीं टीडीएफ प्रोटीन नहले सेटा टेस्टिस डेवलप हबनी टेस्टिस डेवलप नहले सेटा ऑटोमेटिकली ओवरी डेवलप हेला तो आबसेन्स ऑफ टेस्टिस रे आबसेंट ऑफ टेस्टिस रे और टीडीएफ रे मासटा ओवरी हेगला देन जेतु सटोली सेल नहीं एंटीमुलेरियन हार्मोन भी नहीं एंटीमुलेरियन हार्मोनटा मुलेरियान डॉट को डीजेनरेट करी ओल्फियन को एक्टिवेट करौथिला किंतु जेहेतु एंटीमुलेरियन हार्मोन नहीं ताले मुलेरियान डॉट को डीजेनरेट करबा को केही नहांती माने मुलेरियान डॉगटा रहीगला आ ओल्फियन डॉट को एक्टिवेट करिया को केही नहांती तो आबसेन्स ऑफ एंटीमुलेरियन हार्मोन रे मुलेरियान डॉगटा रही जाए ओल्फियन डॉगटा एक्टिवेट हो पारे जहाँफल कि मुलेरियान डॉगटर कौन डेवलप हबो ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हबो आउ इंडिविजुअलटा बिकम्स फीमेल इंडिविजुअलटा फीमेल हो जीवो तो यही पैटर्न रे फीमेल सेक्स डेवलप हुए तो फीमेल सेक्स को डिफॉल्ट सेक्स एथिपई कहा जाए जे पर्टिकुलरली फीमेल सेक्स डेवलप हाबापी देयर इज नो स्पेसिफिक जीन और स्पेसिफिक प्रोटीन इन द आबसेन्स ऑफ मेल जीन और प्रोटीन और स्राय जीन और टीडीएफ प्रोटीन द मास ऑफ गोनाडल टिश्यू ऑटोमेटिकली बिकम्स ओवरी दैट्स व्हाई फीमेल इज नोन एज ए डिफॉल्ट सेक्स बुझेला देखो से जिनसटा ये लिखाई वार्ड्रे देख कहीदे इन ह्यूमन बीइंग्स स्राय जीन दैट इज से डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोजोम स्राय जीन टा वाई क्रोमोजोम रे अच्छी रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस टेस्टिस डेवलपमेंट पाई रेस्पॉन्सिबल केमिति ना बाय प्रोड्यूसिंग ए प्रोटीन दैट इज टीडीएफ टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोटीन प्रोड्यूस करके से टेस्टिस डेवलप करे दिस टीडीएफ स्टिमुलेट्स सटोली सेल से टीडीएफ टा सटोली सेल को स्टिमुलेट करे
टेस्टिस रे थिबा सटली सेल को स्टिमुलेट करे कौन पाई ना टू सिक्रेट एंटीमोलेरियन हार्मोन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज रे हेता है व्हिच प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माने मोलेरियन डॉक्टर को प्रिवेंट कला जे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हेलानी एंड स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट DUT नुहे भीटा स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टाको स्टिमुलेट कला डेवलप हाँपाई तो यही वे रे मेल सेक्स डेवलप हेला किंतु गोटे एक्सेप्शनल केस देख एक्सेप्शनल केस माने आम जानले स्राइजिन रहिले मेल हबो स्राइजिन न रहिले फीमेल हबो किंतु जदि किसी म्यूटेशन हो गला इफ ड्यू टू म्यूटेशन माने एनी जेनेटिक चेंजेस ड्यू टू एनी जेनेटिक चेंजेस पर्टिकुलरली स्राइजिन रिलेटेड किसी चेंजेस आसला इफ ड्यू टू म्यूटेशन एक्सेक्स फीमेल डेवलप्स विथ स्राइजिन एक्सेक्स फीमेल रे स्राइजिन रहीगला स्राइजिन टा आसिकी एक्स क्रोमोजोम रे लागीगला एक्सेक्स फीमेल डेवलप्स विथ स्राइजिन ताले इट बिकम्स स्टेराइल फीमेल तो एक्सेक्स फीमेल सांगरे स्राइजिन रहीगले इंडिविजुअल टा स्टेराइल फीमेल हबो सेमिदी विदाउट स्राइजिन नॉर्मली वाई क्रोमोजोम रे स्राइजिन थाए तो मेल रे जदि स्राइजिन न रहिला मेल रे जदि स्राइजिन न रहिला दैट आल्सो बिकम स्टेराइल फीमेल तो सेटा भी स्टेराइल फीमेल हे जिवो देखो सेटा जे एक्सेक्स फीमेल विथ स्राइजिन बिकम स्टेराइल फीमेल स्राइजिन रहिले से कौन करिवो ना मुलेरियन डॉक्टर को डीजेनरेट करिदबो मलेरियान डॉक्टर को डीजेनरेट करदेव आउ कम्प्लीटली मेल एपरबनी जे दीटा एक्स क्रोमोजोम रही जाऊँगी तो कम्प्लीटली मेल हो पारनी तो क्रोमोजोमाली फीमेल हम मेल कैरेक्टर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप कर पारनी सो स्टेराइल होमती एक्स वाई मेल विदाउट स्राइजिन एक्स वाई मेल माइनस स्राइजिन स्राइजिन न रहा तेल सी टेस्टिस डेवलप कर टेस्टिस डेवलप करिवनी कि मुलेरियन डॉक्ट को डिजेनरेट करिवनी कि ओल्फियन को एक्टिवेट करिवनी सेदि भाई एटा स्टेराइल फीमेल हो जाए कंप्लीट फीमेल इति पई हे परिवनी ना गोटे एक्स क्रोमोसोम अछि आ गोटे एक्स क्रोमोसोम जे थांता किछि थांता किंतु एक्स वाई मेल विदाउट स्राइजिन रे स्टेराइल फीमेल एक्सेस फीमेल विथ स्राइजिन रे भी स्टेराइल फीमेल काईकना फीमेल सेक्सटा डेवलप होबा सहज जदि कौन सी डेवलपमेंटल पैटर्न रे किसी एब्नॉर्मलिटी देखा जाए देन इंडिविजुअल टा स्टेराइल फीमेल ही जाए कहीं फीमेल टा हो डिफॉल्ट सेक्स तो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन और जीन और आबसेन्स ऑटोमेटिकली सेक्स टा फीमेल ही जाए तो सीटा ये लिखाई देख सो इन द आबसेन्स ऑफ TDF TDF रो आबसेन्स ओवरीज आर डेवलप्ड आफ्टर 6th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैंने प्रेगनेंसी रो 6th वीक पर डेवलप होता है ओवरी 6th वीक मैंने 1.5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मेरे को ओवरी डेवलप होता है अब्सेंस ऑफ TDF रे देयरफॉर फीमेल सेक्स इज ए डिफॉल्ट सेक्स तो TDF रो अब्सेंस रे स्राइजिन रो अब्सेंस रे ओवरीटा डेवलप हुए सेदि पे कह जाउची इट इज ए डिफॉल्ट सेक्स तो ये थिला सिंगल जीन इफेक्ट तो ह्यूमन बीइंग केस रे स्राइजिन होची गोटे जीन जे जहाँ कि इफेक्ट रोचे मेल आउ फीमेल को डेवलप करने ड्रोसो पिलारे हो ट्रांसफॉर्मर जीन और ट्राइजिन आउ ह्यूमन बीइंग केस रे होची हमर स्राइजिन ठीक है ये थिला सिंगल जीन इफेक्ट थैंक यू।